Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 11. Simple equations. Exercise 11B on book page number 141. And question number 11 of exercise 11B. तो देखिए question number 11 में क्या है? The difference of two numbers is 6. कि दो numbers के दरमियान जो difference है वो 6 है. One third the larger one is smaller than two thirds of the smaller one by 2. तो जो हमारे पास जो नंबर बड़े वाला नंबर है उसका वन थर्ड यानी वन बाय थ्री पार्ट जो है वो छोटा है टू थर्ड ऑफ द स्मॉलर वन. और जो टू थर्ड जो छोटा हमारे पास इंटीजर होगा उसके टू थर्ड पार्ट से वन थर्ड पार्ट जो है बड़े वाले नंबर का वो टू के फर्क से छोटा है. डिटरमिन द नंबर्स. तो फिर ये बताएं कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे. तो सॉल्यूशन में देखें, सपोज द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स. तो अब हमने ये सपोज कर लिया कि लार्जर नंबर जो है वो एक्स के इक्वल है. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. तो दो नंबर्स का डिफरेंस हमें क्या गिवन है? सिक्स. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सिक्स. देन स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स. तो फिर छोटे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? x माइनस सिक्स के इक्वल होगा. क्योंकि अगर लार्जर नंबर जो है वो x के इक्वल है, दोनों का सम सॉरी दोनों का डिफरेंस सिक्स है, तो फिर स्मॉलर नंबर जो है वो x माइनस सिक्स होगा. नेक्स्ट है वन थर्ड ऑफ लार्जर नंबर. अब हमने बड़े वाले नंबर का वन थर्ड फाइंड करना है कि उसका वन बाई थ्री जो है वो किसके इक्वल आएगा. तो लार्जर नंबर हमने लेट किया है कि x है, तो वन थर्ड क्या होगा? वन बाई थ्री एक्स. टू थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर. अब स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है? x माइनस सिक्स है. तो टू थर्ड जब हम इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? टू बाई थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स. देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो फिर जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब क्या था कि वन जो स्मॉलर सॉरी लार्जर नंबर है उसका वन थर्ड ठीक है ग्रेटर है किससे? स्मॉलर वाले नंबर के टू थर्ड से. तो वन बाई थ्री एक्स. अब ये टू टाइम्स ग्रेटर है तो हमने इसमें प्लस टू कर लिया. इक्वल टू 2 by 3 into x minus 6 means 2 by 3rd of the smaller number. अब next step में हमने इनका LCM लिया है. तो देखें जब LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x plus 6 over 3. क्योंकि 3 LCM है तो x 1 जार x होगा plus 2 जो है x के साथ 1 by 3 है ठीक है. लेकिन 2 हमने अलग से ऐड किया है तो इसलिए जब LCM लेंगे तो 3 टू द 6 होगा. इक्वल टू बल्कि यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है वो x के बाद आती है, 2 के बाद नहीं आती. बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 के बाद लिखी हुई है. अब नेक्स्ट 2 बाय 3 इंटू एक्स माइनस 6. तो 2 को ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2x माइनस 2 6 आ 12 ओवर 3. देन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर को सेकेंड टर्म के डी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का नोमिनेटर क्या है? x प्लस सिक्स. तो x प्लस सिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू. और सेकेंड टर्म के नोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के डी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट टर्म का नोमिनेटर है हमारे पास 2x माइनस 12
और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो 3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, और 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होगा। तो 3x प्लस 18 इक्वल टू, अब राइट साइड पे भी ये जो 3 है ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6x आएगा, माइनस साइन एज इट इज, और फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अननोन क्वांटिटीज वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। तो लेफ्ट साइड पे अननोन क्वांटिटी वाली टर्म है 3x और राइट साइड पे है 6x। तो इस 6x को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। 3x माइनस 6x इक्वल टू, ये माइनस 36 और ये लेफ्ट साइड वाला 18 जो है राइट साइड पे जाके तो माइनस 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 6x, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 के इक्वल होगा। तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अब दोनों डिजिट्स के साथ माइनस का साइन है इसलिए ये दोनों जो है वो ऐड होंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू 36 है जिसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए 54 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। अब हमने फाइंड यहाँ से एक्स की वैल्यू करनी फाइंड करनी है, लेकिन माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस 3 54 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट होके प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 54 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। तो एक्स इसके इक्वल होगा 18 के, हेंस द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18। हमने लेट किया था कि लार्जर नंबर जो है वो एक्स के इक्वल है, तो लार्जर नंबर जो है वो क्या होगा 18 होगा। एंड देन द स्मॉलर नंबर, तो फिर स्मॉलर नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो था एक्स माइनस 6। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 18, तो 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो ये हमने दो नंबर्स फाइंड कर लिए कि जिसमें स्मॉलर नंबर का 1/3 जो है वो टू टाइम्स जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो स्मॉलर नंबर है उसके 2/3 से। तो एक नंबर 18 है जो कि हमारे पास लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर हमारे पास 12 होगा। हैंस द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, इसलिए लार्जर नंबर हमारे पास 18 होगा और स्मॉलर नंबर हमारे पास 12 होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 11B। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें इसमें क्या है, व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 42। व्हाट नंबर कि किस नंबर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से वही नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, एक्सीड होता है कम करना, ठीक है, किसी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 42 के इक्वल आना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखें, सपोज द नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि फर्स्ट करें हमने जो नंबर लिया है वो है एक्स, तो 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, फिर उस नंबर का 4 टाइम क्या होगा 4x, मीन्स उसी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x।
देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फिर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग के फोर टाइम्स किसी भी नंबर में से हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 4x माइनस एक्स होगा, तो वो आंसर किसके इक्वल होना चाहिए 42 के। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 42। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 42, यहाँ पे बाय मिस्टेक 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 42 ही आएगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 42 ही है। अब हमने जस्ट वो नंबर फाइंड करना था जो कि x है, तो यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो यही 3 42 के साथ डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 42 बाय 3। तो 42 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 14, इट्स मीन्स x किसके इक्वल है 14 के, तो वो नंबर जो हमने फाइंड करना था वो किसके इक्वल होगा 14। ये 14 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 14 को ही सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 42 के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 11B। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 297। कि तीन जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के 11 के अगर हम उनको ऐड करें हमारे पास आंसर जो है वो 297 के इक्वल आता है, तो फाइंड द नंबर्स। तो हमने 11 के वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जिन मल्टीपल्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 297 के इक्वल आए। तो देखें हिंट इसमें गिवन है आपके क्वेश्चन में कि फर्स्ट मल्टीपल जो है उसको हम ऐड करेंगे x, सेकंड को x प्लस 11 एंड थर्ड वन इज x प्लस 22। ये हिंट गिवन है क्वेश्चन में। तो देखें सॉल्यूशन में क्या होगा, सपोज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, हमने ये सपोज कर लिया है कि जो फर्स्ट मल्टीपल है 11 का वो है x। तो सपोज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू x, देन सेकंड मल्टीपल ऑफ 11, तो फिर सेकंड मल्टीपल जो होगा 11 का वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 11 के, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल x है तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 11। थर्ड मल्टीपल ऑफ 11, तो थर्ड मल्टीपल जो है 11 का वो किसके इक्वल आएगा, x प्लस 22, ठीक है, x प्लस 22 के। एंड गिवन दैट सम ऑफ नंबर्स, कि इन तीनों मल्टीपल्स का सम जो है वो इक्वल है 297 के, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फिर हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि हमने हमारे पास ये जो नंबर्स गिवन है 3 मल्टीपल्स हम इनको ऐड करेंगे तो सम इक्वल करेंगे 297 के। तो देखिए फर्स्ट क्या है x, सेकंड इज प्लस x प्लस 11 एंड थर्ड वन इज x प्लस 22, इन सब को ऐड करेंगे तो सम 297 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको जब सिंप्लीफाई करना है तो x वाली टर्म्स को हम अगट्ठा लिखेंगे और कॉन्स्टेंट्स अगट्ठे आएंगे, तो x प्लस x प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 22 में जब 11 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 33 इक्वल टू 297। अब यहाँ से अननोन क्वांटिटी वाली टर्म को हमने सेपरेट करना है, तो अननोन क्वांटिटी वाली टर्म यहाँ पे है 3x, तो 3x इक्वल टू 297 और इस 33 की जब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसपोजिशन, तो 297 माइनस 33 होगा। तो 297 में से जब हम 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 264। देन 3x इज इक्वल टू 264 के इक्वल होगा। अब हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम साइड चेंज करेंगे, स्त्री को जब राइट साइड पे लेके आएंगे, तो ये 264 के साथ डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 264 ओवर 3। तो 264 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 88। इट मींस x किसके इक्वल आया, 88 के। तो हमने क्या लेट किया था कि x जो है वो फर्स्ट मल्टीपल है 11 का। इट मींस कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू 88। देन सेकंड मल्टीपल ऑफ 11, तो फिर 11 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस 11 था। तो x जो हमने फाइंड किया है वो क्या है, 88। तो 88 में हम 11 को ऐड करेंगे, तो 88 प्लस 11 इक्वल टू 99। तो ये हमारे पास सेकंड मल्टीपल आ गया 11 का, 99। थर्ड मल्टीपल ऑफ 11, तो थर्ड मल्टीपल जो होगा 11 का वो किसके इक्वल है, x प्लस 22। तो x हमने अभी क्या फाइंड किया है, 88। तो 88 प्लस 22, तो 88 में जब हम 22 को ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल होगा 110 के। इट्स मीन्स कि थर्ड मल्टीपल जो है 11 का हो गया है 110। तो हमने 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स फाइंड करने थे, उनमें से फर्स्ट मल्टीपल है 88, सेकंड वन इज 99, द थर्ड वन इज 110। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।